जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीसी गेट पर रावत जीत की जिद में। अभी के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 5:30 बजे से। बाकी मीनू और मैं आए थे अभी सुबह मॉर्निंग वॉक करके, मजाक कर रनिंग करने गए थे हम लोग। मेरा आज दूसरा दिन है, मीनू को काफ़ी मंथ हो गए रनिंग करते करते, तो मीनू मेरे सामने मतलब एक्सीलेंट है। मैं अभी सुननी है मैं हूँ, तो आगे आगे देखते हैं। एक्सीलेंट वाले क्या होंगे पता, तो मेरे सामने ना मैं दौड़ेंगी पा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि आज मेरा दूसरा दिन है। 2 अक्टूबर है आज, 1 अक्टूबर से मैंने रनिंग करनी शुरू करी। रनिंग भी नहीं कर रही हूँ, बस 1 राउंड लगा रही हूँ, फिर दूसरे टाइम पैदल आ रही हूँ। और धीरे धीरे कर लूँगी क्योंकि अभी सांस भी बहुत फूल रही है। वाह, इतने अच्छे अच्छे फूल मिल रहे हैं मुझे। इसमें गाने लगा रखे हैं, गाना म्यूट करना पड़ेगा। और ये वो डॉग है जो हमें हमेशा जाने के लिए परेशान करता है, बस भौंकते रहता है। मीनू को मीनू 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 ऐसा मत, मीनू ऐसा मत है, मीनू सच्ची को पीछे दे। अब देखो हमारे विचार खतरता आ गया भाई, ये ऐसे से डरा देती है। हमारा घर आने ही वाला है, हम घर पहुंचने वाले हैं, मेरा बर्थडे आने वाला है, कोई गिफ्ट लाने वाला है, बर्थडे इसका आने वाला है गाइस। तो मैं क्या करूँ फिर, सबको बताइए। सबको बताऊँगी तो तभी तो तू पार्टी देगी। प्रणाम प्रणाम। वो वाला फोन भी जान, अच्छी बात है। देखो ये कैसी है, कह रही है तेरी वजह से मुझे भी पहला कहना पड़ता है। बट प्रणाम कहना कोई बुरी बात है क्या है? आशीर्वाद मिले। 10 बार यहीं से जाती रहती हूँ तो क्या हो गया अभी? 10 बार नहीं, सुबह 1 बार बस। 10 बार वो भी कह रहे हैं हमारे पैर छो, तो आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अच्छा काम कर रहे हो। और हमारी गाय को तो देखो वहाँ से, वो दिख रही है क्या? वो ये पूरी बाहर निकली है, बाउंड्री भी छोटी है। तो कभी तो इस पार आए रहती है, अभी देखना उतर गई। ये याशिका लोगों का घर है, याशिका आजकल कम आती है बहुत। अब वो बड़ी हो गई है, अब वो स्कूल जाने लग गई है ना। ये देखो हमारी गैया, हेलो। नहीं इसको नहीं खाइए, नहीं खाइए ठीक है, इसको दूंगी वो खा लेगी। ये देखो सिंह से मारने के लिए कैसा कर रही है। और देखो मम्मी सुबह सुबह दूध निकाल रही है, नींद शायद आंखें भी नहीं खुली हैं। गाय तीन गोद में सोई थी क्या, अपनी गंदी हो रही है। क्यों सुबह सुबह उठ गए हैं पापा? पापा ने दिया बत्ती कर लिया है। सुबह सुबह आमा का भी यहाँ पे योगा चल रहा है कुर्सी में बैठ के। इसको देखो ये भी आ गया यहाँ पे। एक देखो हमें बैठी उससे कहा यहाँ पे बैठ के योगा करने आ करके, मैं नहीं आ रही। पर मेरा आमा को देख के मजा आ रहा कुर्सी में बैठे बैठे, मतलब नहीं VIP होगा। अमा रामदेव है, हम अमा के शिष्य बैठे हैं यहाँ पे, अमा के शिष्य बैठे हैं। सॉरी कभी कभी जीभ भी लग जाती ना गाइस, इसकी बहन हूँ ना लाठी। क्या तू पेड़ अंदर डालने गया? तेरे को तेरे पास पेड़ भी है जो ऐसी एक्सरसाइज कर रहा है? ऐप्स के लिए होता है वैसे। वहाँ से देखो दोनों कैसे देख रहे हैं, मनीष आया कर दिया। तो गाइस आज पितर अमावस्या, अमा आज पितर अमावस्या है, उसमें दवाई डाल दी क्या? कल से नवरात्रि ना, 1 तारीख को नहीं, मेरे बर्थडे के दिन है दिवाली। 31 तारीख को दिवाली है, मेरे बर्थडे के दिन। 31 को नहीं है, 29 को है। 31 को है, 30 को, 31 को है, देखना सर से मांगा। तो गाइस आज पितर अमावस्या है, कल से नवरात्रि स्टार्ट है। ये
अभी आज तक चाय नहीं पी। पीलो पीलो, मैं चाय अपने जी के चाय अंदर चाय। भाभी की परीक्षा ले रही थी तू? एक चाय के लिए भाभी का अंतर ले रहे थे तुम? वो भी चाय नहीं, वो भी चाय। अरे मैंने कहा तुम कह रहे थे पीलो करके, मैंने कहा पूरा ले लेती हूँ देखते हैं। अब पूछना मेरा फर्ज था अगर पी लेते तो और भी अच्छी बात है ना। अंदर तो बनाई होगी नहीं? अंदर तो है ही। तीनों भी आ गए हैं सुबह सुबह। कहाँ के रास्ते आए तुम? खेत के रास्ते। लक्षु दूध लेने आए हैं। हाय बोल दे। दूध लेने आए हूँ। लक्षु आए, कितना शर्माता है देखो, जैसे कि पड़ोस में। घर में कैसे करता है जब रोता है? बताओ ना कैसा करता है, अभी तो आवाज़ नहीं निकलती इसकी। क्या कैसे? भाभी कैसे? बता ही नहीं, इतनी हंसी आती है। लक्ष्य तू ही बता दे कैसा करता है तू रोते वक्त। सर मैं क्या देखो। लक्ष्य दिखा, क्यूटी क्यूटी करता है। लक्ष्य क्यूटी मत कर यार। तो गाइस हित्तू भी उठ के आ गया है। हित्तू के लिए मैं गाना गाती थी, मुझे इतने गुस्से से कह रही कि क्या कर रही है ऐसा, इतनी बड़ी हो गई तो तमीज नहीं है। मतलब क्या गाना ये सत्संग के बराबर हो गया। टांगे टांगे बजी सत्संग किसकी है? तू बैठ मत, यहाँ पे रखो, यहाँ पे लगो इसको। इसके लिए बोले आओ तो। आई क्यू जी, गुड मॉर्निंग। अरे यहाँ पे रखो, चद्दर के जमीन में बैठता है वो। अरे नहीं तो उसको सर में पटकेगा। हमारा यार गिनी मथुरा, अभी ले मथुरा, मथुरा कर हम मथुरा कर हां मथुरा। अच्छा पहना ना, आप पहना दोगे बैठाए। अरे यार आज तो मैचिंग पहने हैं। मैं पहन अभी आ गई है इनको देख के यहाँ पे। ठंडा नहीं लग रहा इसको? क्यों ठंडा क्यों? बाल सुबह सुबह बाल बना के बबरे। किसने बनाए बाल? तूने खुद? देखो कितनी बड़ी फैशन बात है। नहीं हम जा रहे हैं गाइस। तो गाइस आज पितरा मौसी है, उसमें पूरी बड़े और रायता वगैरह सब कुछ बनता है। तो रायते के लिए मैं खीरा लेने जा रही हूँ अभी दुकान में। मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही है और ये मेरे को कैसे देख रहा है। ये देखो ये तो इसको ले जाती, पर मैं परसों नहीं ले जा पाई इसे, तो अब मैं नहीं ले जा पाऊँगी। रास्ता भारी लंबा है ना, तो चलिए वहीं जाके मिलते हैं। याशी भी अपनी चाची के यहाँ जा रही है, वहाँ से देखो सब लोग खेत में काम कर रहे हैं। वहाँ देखो चाचा लोग टमाटर की गुड़ाई करने लग गए हैं। अंकल अपना खेत की मटर बोएंगे शायद, यहाँ पर लगता है। याशी वहाँ पहुँच गई है, उसको मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी ट्रैक्टर की आवाज़ की वजह से। ये देखो आ गई। तो कहाँ से रास्ते आई? कहाँ से? मैंने तो नहीं देखा तुझे। कहाँ के रास्ते आई तू? मेरे लिए रुकी क्यों नहीं? मैंने तेरे को इतनी आवाज़ें मारी राशि याशी करके। आज यहीं रहेगी तू चाची के वहाँ? चाची क्या बना रही है आज? हाँ हम तो पूरी पकौड़ी और रायता बना रहे हैं आज। चलिए चल फिर, तू क्या खाएगी? तो यहाँ पे चल रही है हमारी कुरकुरे पार्टी। ये देखो ये है हमारे पार्टी के हिस्सेदार, एक ये है यहाँ पे। पहला बाइट जाता है मेरे मुंह में। उसको पानी प्यास लग गया, वो पानी पीने चले गई है। वहाँ जा रही है। ला रही हमने पूड़ियाँ और ये बड़े, और पापा एक गाय को देने जा रहे हैं अब गौग्रास। ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं बड़े। जब मेरी बुबू का श्राद्ध था तो मैंने 20-25 तो खाए थे। गाय को यहाँ पर गौग्रास दे रहे हैं।
अबे बुबू के मुझे वो मम्मा के लिए मेरे दादाजी इनके लिए मैंने रख दिया है बूढ़ी और बड़े और मेरे बुबू खाएंगे। सर्वे करने वाले आए हैं तो इनको फोटो चाहिए। और ये नाम तुम्हारे पति का तुम्हारे ससुर का पति का उनका ससुर का तुम्हारा और फोटो खींचू मैं देखा जाओ आंटी शकल की खींचनी है खाली मुँह की यही तेरे उसमें आएगी फिर इसमें आए अब आंटी गिरफ्तार हो जाएगी किडनैप कर देंगे आंटी को। ये मीनू की उंगली पकड़ के अपने मुंह में डालना इसको खुजली लग रही है तो इसके दांत खुजला रहे हैं देखो काट ले काट काट ट्रैक्टर की आवाज देते हैं मीनू इधर दे बना रही गाइस मैंने पार्लर खोला लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल बोल गाइस मैंने पार्लर खोल दिया आप लाइक करेंगे बोल गिनती से पार्लर वाली मिल जाए रोज मीनू ऐसे देखे मीनू आ रहे मीनू आ रहे पूरा मुंह चिपका रही किससे कर दे दी निकल ले मैम करो बनाओ बनाओ तो गाइस यहां पे देखो ये नकल कर रही है मेरी मैं आजकल आंटी लोगों की आईब्रो बनाती हूं तो उसको दे दे जरा तूने कॉल कर किया था नहीं किया था ये बता पहले किया था सच्ची बोल किया था ब्रश किया था पर तेरे मुंह से तो बदबू आ रही है इसके पास ब्रश है ना हाँ। नहीं है एक ही है कितने एक ही दो है दो 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 से क्या करती है एक से ऊपर वाले एक से नीचे वाले कैसे दांत दिखाओ पहले दर्शकों को अपने किसके दांत अच्छे हैं गाइस बताना तो याशी अभी अपने फेस में एलोवेरा लगा रही है इससे फेस काफ़ी अच्छा होता है ग्लो करता है और जो भी टैनिंग होती है वो भी हट जाती है ये बुआ लोगों के यहाँ लगे थे एलोवेरा तो बबली दी लेके आई थी काफ़ी काली हो गई ना देखो बेसन भी लगा रही है इससे बोला कि हमने एलोवेरा लगा के गोरे होते हैं तब से अपने मुंह में एलोवेरा घिसने में लगी है इसको आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया है देखो एलोवेरा की जो हालत है ना वो ख़राब हो गई है देखो दिखा दे अब आप इतने गोरे भी नहीं मुंह छिल जाएगा तेरा तो यहाँ पर याशी बबली दी का पैक लगा रही है फेस पैक अब इसको देखो कैसे लगा रही है इसे बहुत शौक है शायद से इतनी गोरी तो है और ऊपर से लगाने में लगी है मुंह देखो कैसा कर रही है अभी तो तुम जाए तो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 6 और इनका हल्ला गुल्ला ऐसे ही रहता है रात शाम को बैठ जाते हैं ये लोग बाहर से देखो ये अंकल है इन्होंने हमारे खेत में टमाटरों की गुड़ाई की तो गाइस ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय।